फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड, हम निकल रहे हैं अपनी रोड ट्रिप के लिए। आज है क्रिसमस ईव 24 दिसंबर और अभी बज रहे हैं शाम के, क्या हो रहा है, घड़ी होता है 5:03 और पूरे रेड में ड्रेस है कि क्रिसमस ईव है और कल है क्रिसमस। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, डे वन है आज हमारी रोड ट्रिप का। हाँ तो सर, आपको हमारी रोड ट्रिप का पार्टनर बनने में, सर ये हमारी वैसे दूसरी ट्रिप है गोवा के बाद और देखते हैं, और गाड़ी में भी है, कैंपिंग में है, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है हमारी ट्रिप का। आप लोग बस हम सबके लिए दुआ करते रहे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो अभी तो हमारी गाड़ी जाएगी NH1 या NH8 है वो, NH8 जोन सा भी भाई हाईवे है, हम तो जा रहे हैं, हम भूल गए हैं हाईवे। तो चलते हैं सीधा गाड़ी में और गाड़ी के बाद कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे हमने सामान भरा हुआ है। गिर ना जाए भाई सामान सारा बाहर, आएगा। और भाई तो ये जो हमारा कैंपिंग बेड है इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, मतलब एरिया कवर कर लिया, बट लगेज हमारा उतना ही है जितना इसके अंदर डिक्की के अंदर आना था। पता नहीं भाई आगे तो अब सड़क बताएगी कैसे रहेगा। नहीं नहीं आगे सीट के, हाँ वो हम शीशा खोल के दिखाएंगे, वो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दरवाज़ा खोलेंगे तो पूरा घर बाहर आ जाएगा भाई, क्या करके मानोगे। चकाचक भर रखा, दूसरी तरफ भी यही हाल है, भगवान करे जरूरत ना ही पड़े। हाँ बिल्कुल, इनकी दुआ साथ में होगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिप अच्छे से जाएगी, इनको अच्छे से वीडियोस मिलेंगे और हमें अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइट कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बट इसका रात में ज्यादा मजा आया। चलो फिर हम जा रहे हैं और मिलते हैं अगले साल। चलो ठीक है भाई, अगले साल। हमारी गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, विटारा ब्रीजा जो कि हमने कैरावान में हमने कन्वर्ट करा, तो जहाँ हमें पॉसिबिलिटी अच्छी दिखेगी वहाँ पे हम इसे लोकेशन पे वो करेंगे। तो चलते हैं सीधा फटाफट हाईवे पे और मिलते हैं आपको गोप्रो व्यू से। तो ये फीलिंग में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, पहले मैं स्कूटी पर ट्रैवल करता था एक बैग के साथ, फिर बाइक पर ट्रैवल करने लगा पैनियर्स के साथ, अब पूरी कार को हमने घेर लिया अपने सामान से, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ उतना बड़ा एडवेंचर। बिल्कुल सही। तो आज कितने 1000 किलोमीटर? 1000 किलोमीटर कश्मीर जाके रुक गई अब गाड़ी, बहुत है ना तो रुक जाना। ठीक है ओके बाय। ठीक है वाहेगुरु मेहर करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो फाइनली द डे हैज अराइव्ड, कितने टाइम से इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे, कार नहीं आई थी तब भी प्लानिंग कर रहे थे, कार नहीं आई तो बाइक पे चल देंगे। तो अभी निकल रहे अपने घर सुभाष नगर से और आराम से खाते पीते घूमते फिरते मौज मस्ती लेते हुए जाएंगे। मेरे को तो एक्साइटमेंट ये हो रही है, गाड़ी में इतना सारा सामान है, बस कैंपिंग कैसे होगी। बाकी हमने जो कैंपिंग का जो बेड वगैरह बनवाया, अब उसका प्रैक्टिकल टेस्ट तो असली कैंपिंग वाली जगह पे होगा। तो हमने अपने साथ में टेंट भी कैरी कर लिया, डिकैथलॉन का नया भी टेंट आया अपना, हर्षित से T3 मंगा लिया। पेट्रोल हम सोच रहे हैं बॉर्डर तक ही जाके भरवाएंगे, क्योंकि 100-110 किलोमीटर की अभी रेंज मेरी कार में आ रही है। अभी हम ना मुकरबा चौक से बिल्कुल सीधा आ रहे थे और हमने नरेला या पता नहीं अलीपुर नरेला पता नहीं कहीं, हम तो कहीं गलियों में घूम रहे हैं, बिल्कुल टी पॉइंट पे जाके इनने चेक पोस्ट लगा रखे थे, वहाँ पुलिस वाले भी थे। तो अब इन्होंने कहा सफियाबाद से जाओ, तो अभी हम जा रहे हैं सफियाबाद की ओर, पर हमारी गाड़ी में ना पेट्रोल कम है, ये ना हम सफियाबाद में कैंपिंग कर रहे हैं उसके बाद। भाई सारा ट्रैफिक ना इधर जा रहा है, इसका मतलब यहीं से होगा रास्ता शायद, गाड़ियाँ इधर का लोकल ट्रैफिक ऑलमोस्ट जितनी भी मतलब गाड़ियाँ हैं दिल्ली हरियाणा की सारी इसी रोड से आ रही है, मेरे को लगता है कि रास्ता यहीं से जा रहा होगा। तो एक बार हम हाईवे पहुँच गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। भाई कितने बजे निकले थे हम? 5 बजे। 5 बजे और अभी बज रहे हैं 8:07, पता नहीं कौन से गांव से कहां से घूमते हम आ रहे हैं। ये भी हमने पता नहीं गाड़ी कैसे निकाली है ब्रेजा को हमने। भाई इससे पहले आपने फुटेज देखी होगी हमारी, कैसे भाई ब्रेजा ऐसे पास है मेरे दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया है ना भाई, बहुत गलत था भाई। तो हमारे पीछे भी काफी ज्यादा गाड़ियां लगी हुई है, आगे भी एक गाड़ी लगी है, बट उन्होंने चेक पोस्ट लगा दिया। हरियाणा पुलिस कश्मीर में बात हो रही थी, तो अभी हमें कॉल करके बताएंगे कि जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता कल ओपन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल है फ्राइडे। बाकी जब कॉल आएगा तो मुस्तकीम हमें बता देगा। सोनीपत में सोनीपत पहुंचे हैं 3.5 घंटे बाद और यहाँ पे फ्यूल भरवा लिया अपनी गाड़ी में, टैंक रहेंगे फुल, मतलब रिजर्व लग गया था, हमने सोचा था कि बॉर्डर पर पहुँचेंगे तो इकट्ठे पेट्रोल पंप आते हैं वहाँ से ना पेट्रोल वगैरह फ्यूल करवा लेंगे, बट जाम मिला अंदर गांव में से घूम के, पूरी गाड़ी हमने साफ़ सुथरी रखी थी, यहाँ पे आके पूरी धूल मिट्टी कीचड़ से भर गई, तो टैंक फुल होने को हो रहा है 450 तक का, आगे एक बार देखेंगे टैंक फुल करेंगे, उसके बाद मीटर का 0, उसके बाद देखेंगे जो हमारी गाड़ी की माइलेज है वो लगभग क्या है। तो टैंक हमने करा लिया फुल और जो रेंज आ रही है इसकी आ रही है 525 किलोमीटर, जब हम हाईवे पर ड्राइव करेंगे तब देखेंगे कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल पाती है।
तो एक माउंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी एक और लगा रहे थे पीछे पर, वो लगाते लगाते टूट गया, तो बाकी देखेंगे सुबह क्या करना। 2 किलोमीटर के बाद एक राइट आएगा और फिर सर्विस लेना ही, उसके बाद आप हाईवे पे करनाल वाले हाईवे पे चढ़ जाओ। तो चलो, तो वही चीज अभी चलते हैं। मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है मूर्छा लाने में? मैक्सिमम टाइम लग सकता है 5 घंटे। तो भाई हमें लगे हैं 4 घंटे, साइकिल से जल्दी में पहुंच जाऊंगा। तो अब तो यहाँ पे जाम हमें आगे लगता है कि देखने को मिलेगा नहीं, और सिंगू बॉर्डर तो भाई पूरा ही जाम कर रखा है। तो देखते हैं, किसी को जाना है ना, फ्लाइट टिकट बुक करो, निकलो। कह रहा मुस्तकीम, कह रहा भाई मैं तो अगली बार गाड़ी में नहीं आऊंगा, मैं तो फ्लाइट से दिल्ली चले जाऊंगा। मैं कैसे कैसे चले जाएगा भाई? बहुत गलत लेवल का जाम है, रास्ता नहीं है, रास्ता है तो लोग कहीं पे भी गाड़ी घुसा रहे हैं। ऑफ रोड गाड़ी खराब भाई साहब, ये हम लक्ष्य ही है जो अपनी गाड़ी के साथ ऐसे कर रहा है। दूसरा बंदा होता ना, मैं भी इसकी जगह होता मैं तो घुमा लेता, मैं कहता घर जाओ, फ्लाइट की टिकट बुक करो, सामान डालो। तो अभी ये सीन कुछ ऐसा है, सारी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जम्मू की गाड़ियां इस रोड पे आपको देखने को मिलेगी। देखो अगर ये ब्लॉग आ रहा है तो मतलब हम पहुंच चुके हैं। इतनी छोटी छोटी सड़कों में भाई बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां घुसी हुई है, तो वो फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से इन्होंने बीच बीच में से रास्ते निकाले ताकि जो आम जनता है वो परेशान ना हो, जो आने जाने में लगी हुई है। लुधियाना पहुंचने वाले थोड़ी देर के अंदर, और सो फार सो गुड, बहुत ही मजा आ रहा है अभी ड्राइव करते हुए। और अभी बीच में काफी ज्यादा हमें फॉग भी देखने को मिली। मुस्तकीम तो भाई फूल अपना मजा ले रहा है, रिक्लाइन करके सीट बैठ गया। आहा, अब तो मेरे को सोने दो भाई, ये पिलो इतना अच्छा, इतना कम्फर्टेबल है। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, क्या टाइम हो रहा है अभी? ऑलमोस्ट 1:45 हो गया है। धुंध इतनी है कि कभी कभार तो जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, नहीं तो लगभग 10-15 मीटर तक तो दिख ही रहा है। हमारे पीछे भी गाड़ियां चल रही हैं, उसके पीछे भी गाड़ी चल रही है, मैं तो काफी देर से इस ट्रक के पीछे चल रहा हूँ। तो यहाँ पे लोकेशन में लगा रखे हैं जेड के की, कैमरा तो अभी हमारा साइड में पड़ा है, इसको हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि जो गाड़ी का जो लाइटिंग का इफेक्ट है वो काफी ज्यादा इसको ब्लूश कर देता है। तो सोचा कि आईफोन से रिकॉर्ड थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 3 और जम्मू यहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर है, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा सो लेते हैं फिर चलेंगे, क्योंकि पूरी रात चलना भी सही नहीं है, नींद भी मेरे को थोड़ी थोड़ी लग रही थी। तो मैंने कहा गाड़ी साइड पे लगाते हैं, क्विल्ट निकालते हैं और सो जाते हैं, आराम से रिलैक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा चाय कॉफ़ी पी के चलेंगे जब थोड़ी सी सुबह हो जाएगी। सो गाइस, डे 2 की हो चुकी है शुरुआत और लगभग 4:30 बजे सो गए थे भाई, 7:30, मतलब 3 घंटे हमने गाड़ी के अंदर कब बिताए कुछ पता चला ही नहीं। तो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, मुस्तकीम सो रहा था, मुस्तकीम को देख के मेरे को भी नींद आने लगी, तो मैंने कहा यार थोड़ा यहाँ गाड़ी लगाते हैं, आराम से थोड़ा पावर नैप लेते हैं। बड़ी पावर नैप कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, 3 घंटे का हो गया। तो जम्मू हम पहुँचते मेरे को लग रहा है 10-11 बजे। तो आज है हमारा डे 2। ठंड है भाई, 4 डिग्री टेम्परेचर है भैया, कश्मीर में क्या होगा भाई। तो अभी मैं ना पानी ले लेता हूँ, सामने पानी पड़ा तो मैं विंडोज वगैरह क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पीछे वाली जो विंडो है उसमें मेरा वाइपर नहीं है, डिफॉगर नहीं है, और दिल्ली जाके एक बार कुछ कोशिश करेंगे मॉडिफिकेशन कराने की, बट अभी तो उसको साफ कर लेते हैं। तो भाई ठंडे ठंडे पानी से मैंने धो लिया है मुंह ताकि मैं फ्रेश रहूं। तो अभी सुनेंगे शब्द गुरबाणी और अपना आराम से भगवान का नाम लेते लेते करेंगे ड्राइव। जब ये सो रहा था ना तो मैंने जपजी साहिब का पाठ लगाया, फिर मेरे को भी हल्की हल्की झपके आने लगी, तो मैंने कहा लक्ष्य भाई रिस्क नहीं लेने का, आराम से गाड़ी कोंधे पे लगाने का, सोने का लेने का। तो मैंने ढाबे पे लगाया, मैंने कहा ढाबे पे लगाने का, आराम से खड़े करने का गाड़ी को और आराम से सो जाने का, मज्जा नहीं लाई। तो भाई अपन तो पूरे घोड़े बेच के सोए, मैंने फटाफट निकाली ब्लैंकेट के अंदर से क्विल्ट जो कि यहाँ पड़ी है, कैमरे को रखने के काम आएगी, और सो गए। अगर ये ना होती ना तो आसपास वाले देखते भाई कैसे सोहे गाड़ी के अंदर ये भाई साहब। फिर भी गाड़ी के अंदर बहुत ठंड थी, तो इसका मतलब जो हम प्रेपरेशन करके आए हैं बहुत जबरदस्त करके आए, नहीं तो हमारी तो फट जाती। यो, अभी तक जो हम ड्राइव कर चुके हैं यहाँ तक वो है 363 किलोमीटर, और 47 किलोमीटर हमारे घर से भी था क्योंकि हमने फ्यूल स्टेशन पे इसको करा लिया था 0। और जम्मू का जो रास्ता है लगभग 3-3.5 घंटे का है, तो चलते हैं आराम आराम से और मिलते हैं आपको रोड पे जब कभी भी फॉग वगैरह कम हो जाएगा, और आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर की रोड। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं लखनपुर, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, और किसी से मैंने सुना था कि यहाँ फॉर्म वॉर्म भी भरना है। अब देखते हैं कि हमें भरने की ज़रूरत है या नहीं। कुछ फॉर्म वगैरह भरने क्या सर? कहाँ पे? ठीक है सर, ठीक है।
ड्राइवर नेम लक्ष्य आनंद सर। ऐसे नंबर बड़ा कैड़ा ले रखा है, सुनने में और बताने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लखनपुर बॉर्डर, मतलब ये टोल प्लाजा है। तो यहाँ पे हमें भरना पड़ रहा है फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लखनपुर कंट्रोल रूम। यहाँ पे एक डिस्पैच मैनिफेस्टो इसमें व्हीकल का नंबर, ड्राइवर का नाम, ओनर का नाम, फ़ोन नंबर, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो वो सारा हमने पर्पस लिख दिया, टूरिस्ट हैं, घूमने जा रहे हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए घूमने जाएंगे, मतलब इतना मैक्सिमम लिख दिया। कम नहीं लिखा, कम हुआ तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हुआ तो देख लेंगे। सो गाइस फॉर्म हमने भर दिया है, उसको हमने सबमिट कर दिया और उसकी पिक्चर लेने को हमने कही थी, सर ने कही थी कि पिक्चर ले लेना और इनको गार्ड्स को दिखा देना। तो हमने पिक्चर ले ली और फॉर्म इनके पास जमा हो गया ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इनके पास रहे कि ऐसे ऐसे यहाँ से लोग आए थे और यहाँ यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। चल भाई दिखाना, पास दिखाना एक बार। सो गाइस एंटर हो चुके हैं हम J&K के अंदर, पहाड़ों में मेरा पसीना। तो अब जो हमारी डेस्टिनेशन रहेगी वो सिर्फ रहेगी 89 किलोमीटर जो कि है जम्मू, और 1 घंटा 50 मिनट का रास्ता है यहाँ से। सो गाइस अभी हम प्रॉपर जम्मू एरिया में एंटर हो चुके हैं और अभी तलाश जारी है होटल लेने की। जम्मू कैंट से हम अभी क्रॉस करके जा रहे हैं, एक बार हम बढ़िया से होटल पहुँच जाएँ, फ्रेश होंगे, ब्लॉग एडिट करूँगा क्योंकि डेली जाने का कोशिश जारी है, हो पाए तो ज़रूर उसको हम बिल्कुल कायम रखेंगे। तो अभी भाई देख रहे हैं ऑनलाइन कहीं होटल वोटल बढ़िया मिल जाए तो उसको बुक करते हैं और उसके बाद चलेंगे होटल, ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत भाई भूख लग रही है, पेट से बहुत आवाज़ आ रही है, गुड़गुड़ 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 भाई, सही में लिटरली अंदर से पता नहीं कैसे आवाज़ आ जाती है। अभी तक का सर ड्राइव का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ड्राइव करता बट मेरे को ये नहीं पता कि जो ये कैमरे की फुटेज है एडिट कैसे होगी भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। कैमरा ले तो लिया, इसके रिव्यूज़ भी बहुत बढ़िया हैं कि क्या काफ़ी अच्छी है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। बाकी एडिटिंग के समय देखेंगे कितना माथा पच्ची हमें करनी पड़ेगी। तो होटल बुक कर लेते हैं और सीधा हम कंटिन्यू करेंगे होटल पे। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जम्मू में रघुनाथ बाजार के पास और ये है होटल मानसर। बहुत ही बढ़िया होटल है, फोटोज में तो काफी बड़ा दिख रहा था और कमरे में तो बिल्कुल इतना सा हो गया। हेलो। तो भाई ये हमारे बहुत ही खास मित्र हैं हिमांशु भाई और ये इनके खास मित्र हैं हमारे अविनाश भाई, बहुत दादा। तो भाई से मिला था 2016 में पहली बार जब मैं लद्दाख की राइड कर रहा था जुपिटर के ऊपर, जुपिटर से स्टार्ट हुआ था, फिर एंटार्क आ गई, फिर हिमालयन आ गई और उसके बाद एक्सपल्स आ गई, आज गाड़ी भी आ गई, गाड़ी लेके आया भाई हमारा जम्मू में। तो लास्ट 2017 में मिला था, अब दोबारा भाई से मिलने आया। तो आज क्रिसमस है तो आज थोड़ा जम्मू एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि थोड़ा आज की जो नाइट है थोड़ी बहुत ही बढ़िया हमने रंगीन, कभी किसी ने नहीं दिखाया जम्मू के बारे में क्रिसमस नाइट। तो अभी भाई लोगों से मिल लिए तो इस लोग को यही एंड करेंगे। डे वन और डे टू मिक्स था, जब दिल्ली से निकले थे तो था कि एक ही दिन में पहुंचेंगे बट जाम की वजह से 5-6 घंटे जो प्रोग्राम है वो लेट हो गया। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो लास्ट ब्लॉग था आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसमें प्यार दिया, 3,500 कॉमेंट प्लस, बस मैंने बोला कि 2 सेकंड लेंगे तो कॉमेंट कर दो तो काफ़ी लोगों ने कॉमेंट करा बट कुछ लोगों ने नहीं करा। तो अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने नहीं करा तो भाई इस बार प्लीज़ कॉमेंट करके जाना और जो हमारी प्यारी सी बहुत बढ़िया सी सीरीज़ रहने वाली है उसको लाइक करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नहीं तो करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। सुटिल एंड राइट सेफ, सॉरी ड्राइव सेफ, अब तो हम राइट से ड्राइव पर ड्राइव पर हो गया भाई। तो मिलते हैं आप सभी लोगों नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, ये मानशु भाई, अविनाश भाई, मुस्तकी, तो मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में।